हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईओसी शेयर का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर लेवल्स निकल के रहे। आज इसके अंदर एक बहुत बढ़िया हमें गिरावट देखने को मिली है, तो क्या फंडामेंटली रीजन है, क्या टेक्निकल रीजन है, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके एक लेवल निकालने वाले, एक अपॉर्चुनिटी को खोजने वाले हैं जहाँ पे बाइंग करके एक अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, दोनों चीजें यहां पे आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड देखिए किस तरीके का मैंने यहां पे एक चार्ट लगा रखा है, ये चार्ट लगा है 1 वीक का चार्ट है, बिना वक्त का अभी हम स्टार्ट करें टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही में फंडामेंटल भी इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीकली जो चार्ट आपके सामने लगा है इसके अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो लेवल था 72 पे, देखिए कितनी बार यहां पे एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है और लगभग 72 के आसपास ये सारी कैंडल आने की कोशिश की है और दो कैंडलों ने यहाँ पर टच किया, तो 72 एक लेवल है। उसके बाद देखिए वापस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इस वाले लेवल पर टच करा जो कि था हमारा 90 रुपीज़ के आसपास का, फिर नीचे आता है और फिर 72 पे यहाँ पर टच कर दिया, लेकिन उसके बाद वापस से 72 की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद इसके अंदर आया था एक अप ट्रेंड का मतलब ये कि ऊपर की तरफ स्टॉक चला, वापस जब नीचे लौट के आया तो 70 तक नहीं आया, उसके ऊपर इसने क्या बनाया, लो बनाया। फिर ऊपर जब गया तो पहले वाले जो हाई थे हमारे, इन हाई से क्या बनाया, ऊपर हाई बनाया। फिर जब नीचे आया तो वापस नीचे की तरफ जो पहले का लो था उसको नहीं तोड़ते हुए 100 रुपए के ऊपर ही क्या बनाया, इसने लो बनाया, ऊपर की तरफ जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर क्रॉस किया, उसी के साथ हमारे इस लेवल को भी ऊपर की तरफ तोड़ के एक अलग ही इसने हाई बनाया 141 रुपए का। ये देखिए ये वीकली कैंडल चार्ट है, मतलब लगभग एक महीने में 2 बार इसने 141 को यहाँ पे टच किया था, नीचे उतर के आया वापस से यहाँ पे इसको तोड़ दिया इसने, कौन से लेवल को, हमारे जो ये वाली लाइन चल रही है हमारी ओरिजिनल, इसको जो कि हमारा निकल के आ रहा था लगभग 135 रुपए के आसपास, उसको तोड़ के नीचे आता है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस इसका रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, आप देख सकते हैं 200 दिन को नीचे तोड़ता है फिर ऊपर जाता है और फिर 200 दिन को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ आता है, 200 दिन को नीचे की तरफ तोड़ता है फिर ऊपर जा रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ तोड़कर फाइनली हमारे इस लेवल को फिर से इसने एक बार टच किया। रिटेस्टिंग की, ऊपर नहीं जा पाया कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट किया वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे जो ये स्टॉक के लाइंस है इनको ये क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, यहां तक कि इसके ऊपर चल भी रहा है। नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं एक बार यहां पर सपोर्ट लिया है और अभी आज जो ये सपोर्ट तोड़ा है ये बहुत बड़ा सपोर्ट था जो कि आज फाइनली यहां पर टूट गया है। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये इस वीक की बात कर रहा हूं, इस वीक के अंदर ये पूरा का पूरा टूट गया है और आज जो ये काम कर रहा है 104 रुपए पे काम कर रहा है। अब क्या 104 रुपए कोई एंट्री बनती है, तो फिर मैं आपको अभी फिलहाल रोकना चाहूंगा, अभी कुछ टाइम आपको रुकना चाहिए और यहाँ पे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है 100 रुपये का, यहाँ पे और ज़्यादा रुकना चाहिए क्योंकि अभी सभी को पता है कि 100 रुपये के आसपास इसके अंदर क्या होगी, बाइंग आएगी, लेकिन वो बाइंग जो है उस समय मार्केट एकदम और ज़्यादा नीचे जाएगा क्योंकि साइकोलॉजी सभी को पता है कि 100 पे बाइंग आने वाली है तो सेलर भी यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, तो 100 के भी नीचे स्टॉक अभी आपको देखने को मिलेगा और 100 के अगर ये नीचे चला जाता है तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है क्योंकि अभी आप ये मत सोचिए 70 रुपये वापस आपको मिलेगा, इतना नीचे इतना जल्दी नहीं जाएगा, बस 100 के नीचे आ जाता है 98-97 के आसपास आपको यहाँ पे बाइंग कर लेना है 100 के नीचे। और यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं अपन 100 का एक एवरेज मानते हैं कि अगर आप 100 रुपये पे भी बाइंग कर लेते हैं नीचे आने के बाद, अगर ग्रीन कैंडल बने तभी बाइंग करें, रेड कैंडल पे आप बिल्कुल बाइंग ना करें। यहाँ पे अगर 100 रुपये बाइंग करते हैं तो आपका टारगेट होने वाला है, वो आपका टारगेट रहेगा मिनिमम टारगेट, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये भी अगर टच होती है तो लगभग 115 रुपये का एक ईजी टारगेट 15% का आपको यहाँ मिलेगा जो कि आसानी से मिल सकता है और मिलना ही है आने वाले कुछ हफ्तों में। यहाँ पे वीकली चार्ट है तो ध्यान रखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ही आपको मिलेगा, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों की बात करें, 3-4 हफ्ते की अगर बात करें तो 1 से 1.5 महीने की भी हम बात कर सकते हैं कि लगभग यहाँ पे अगर 2-8 हफ्ते भी लग गए 2 महीने में आपको ये टारगेट अचीव आराम से हो जाएगा। इसको भी काट के ऊपर निकल गया अगर तो फिर अगला टारगेट आपका जो रहेगा वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए आप 141 के आसपास का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, ये इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, लगभग साल भर का टाइम भी इसमें लग सकता है। अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, 100 रुपये बाइंग कर रहे हैं 15 रुपये का टारगेट रख रहे हैं और अगर 97 पे बाइंग कर रहे हो 90 रुपीज़ का टारगेट रखें क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखें 7 रुपये का टारगेट एक अपने आप में बड़ा टारगेट और सॉरी स्टॉप लॉस है, अचीव हो सकता है आराम से क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा अपने को क्या नहीं करना है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है इसके अंदर, वो क्वांटिटी को एक्यूमुलेटेड करने के लिए फिलहाल रुकें अगर आप ज़्यादा टाइम, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं अच्छा खासा तो आप बैठे रहिए इसके अंदर, अगर ये 70 रुपये भी चले जाए बाद में उस समय क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करते रहिए, आपको कभी ना कभी इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर ही आप क्या करेंगे अपनी
पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ये तो कन्फर्म है कि ये शेयर बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग है। फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है वो देखने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ IOC के ट्रिकर टैप पे। वो ट्रिकर टैप पे जानने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल से किस तरीके के निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको लेके आ गया हूँ IOC के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि इंसेंट्रिक वैल्यू जो है किसकी है, लेस देने मतलब आपको सस्ते में स्टॉक अभी आपको प्रोवाइड हो रहा है। सस्ते भाव में अगर आपको मिल रहा है तो खरीदने में इसमें कोई भी दो राय यहाँ पे नहीं बनती है। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी की बात करो तो FD के कंपेयर में आपको अच्छा रिटर्न इसके अंदर मिलेगा, ये बात भी यहाँ पे कन्फर्म दिखाई जा रही है। डिविडेंड अच्छा खासा ऑफर करता ही है स्टॉक, आज तक डिविडेंड देता रहा है और आगे भी देता रहेगा ऐसा लगता है इसको देख के। एंट्री पॉइंट अच्छा माना जा रहा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में स्टॉक नहीं है, सेलिंग ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। कोई रेड फ्लैग इसके अंदर फॉर्म नहीं होता, मतलब स्टॉक ASM GSM लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे गिरवी रखी हुई नहीं है, गिरवी रखी हुई शेयर की क्वांटिटी बिल्कुल भी नील है मतलब जीरो है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है। ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो नीचे आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं PE रेशो। तो PE रेशो इसका 4.06 है, सेक्टर का PE 13 है। तो PE रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, PE रेशो इसका अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोरकास्टिंग का डाटा आखिर क्या कहता है, तो फोरकास्टिंग के डाटा की अगर बात करते हैं तो 71% एनालिसिस जो कि आपको सजेस्ट करते हैं इसके अंदर आपको बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। अब 71% एनालिसिस सजेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कितने एनालिसिस की ये राय है यहां भी आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 31 एनालिसिस की क्या है यहां पे ये राय है कि आपको यहां पे बाइंग करना चाहिए। 31 में से 71% की राय है, ये बात ध्यान रखिएगा। 31% में 70% की राय मतलब लगभग 24-25 एनालिसिस आपको सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर आपको बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। और ये अच्छे खासे एनालिसिस जो कि अच्छा खासा यहां पे क्या कहते हैं रिसर्च करके आपको बताते हैं किस तरीके से काम का जिसके अंदर होगा। फाइनेंशियल अगर इस शेयर के हम देखने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल के अंदर अभी पेट्रोलियम स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे डिग्रेड हुआ कि लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और डिक्रीज हुआ है मार्केट शेयर में, लेकिन ज्यादा डिग्रेड की बात नहीं है। 1.05 है IOC के अंदर, यहाँ पे 5.51 था, थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो 5 ईयर के अंदर मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है कहाँ से, 32 से 26 की तरफ, ये भी थोड़ा सा हमारे सोचने की बात है। लेकिन हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम हुआ है, नेट इनकम के अंदर यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है ऐसा इसके अंदर बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं हम नीचे की तरफ किस तरीके से फाइनेंशियल इसके निकल के आ रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2021 और 2022 को कंपेयर करें तो 22 के बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं और 22 के जो ये अपने हैं टोटल रेवेन्यू ये 2019 से भी अच्छे निकल के आ रहे थे। कहीं ना कहीं देखा है तो ऑल ओवर बहुत अच्छा यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी नेट इनकम की तो नेट इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2019 में 17,367 थी जो कि घट के 2020 में माइनस में चली गई थी, 2021 में अच्छी खासी ऊपर आ गई थी, लेकिन 2022 में इन सबसे अच्छी देख सकते हैं हम 25,102 रुपये की यहाँ पे क्या है 25,102 रुपये मतलब 1 करोड़ में ध्यान रखिएगा इसकी यहाँ पे क्या हुई है आपको नेट इनकम यहाँ पे प्रोवाइड हुई है किसको IOC के शेयर को। IOC के फाइन फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। होल्डिंग पैटर्न भी इसका देख लेते हैं होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ होल्डिंग पैटर्न पर, होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का दिख रहा है। होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। प्लेस प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे इनसिग्निफिकेंस, ये भी बहुत अच्छी बात है। फॉरन स्टूडेंट की होल्डिंग भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है पिछले 3 महीनों से, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हमें देता है। अगर हम बात करें यहां पे किसकी डिक्रीज इन म्यूचुअल फंड होल्डिंग, मतलब म्यूचुअल फंड ने यहां से होल्डिंग को बेच दिया है पिछले 3 महीनों में 1.08% अपनी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने क्या करी यहां से निकाल दी। अगर हम बात करें यहां पे प्रमोटर होल्डिंग की तो 51.50% प्रमोटर की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 3-3.5% यहां पे निकल के आती है जो कि बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंस है लगभग। यहां पे अगर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 9% की होल्डिंग है, FII की होल्डिंग ठीक ठाक दिखाई देती है 8.36%, लेकिन रिटेल एंड अदर की बात करें तो 28% की यहाँ पे होल्डिंग हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑल ओवर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो सब कुछ अगर मिला के देखा जाए तो स्टॉक अच्छा है, यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर 5 में से स्टार देना पड़ता है 5 में इसको 4 स्टार में देना चाहूंगा और साथ ही में इसकी फंडामेंटल टेक्निकल मैंने आपको लेवल सब बता दिए। कोई भी एंट्री लेने के बल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें, खुद की रिसर्च करें और खुद की रिसर्च के बल पर क्या करें इसके अंदर एंट्री करें, और कोई भी एंट्री करें तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।